नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। जी हाँ मित्रों, बता दें राजपूत वंश का इतिहास क्या है, कब हुई है इनकी उत्पत्ति, ये पूरी हिस्ट्री आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बता दें भारत में सनातन काल से ही अनेक जातियाँ विराजमान रही है और भारत में चार वर्णों का विश्लेषण मिलता है। इन वर्णों में से एक है क्षत्रिय। क्षत्रिय को वर्तमान में राजपूत या राजपुत्र कहकर पुकारा जाता है। वही दोस्तों आपको बता दें, राजपूतों के लिए कहा जाता है कि ये केवल राजकुल में ही पैदा हुआ होगा, इसलिए ही राजपूत नाम चला। लेकिन राजा के कुल में तो कितने ही लोग और जातियां पैदा हुई है, सभी को हम राजपूत नहीं कहा जा सकता है। ये राजपूत शब्द राजकुल में पैदा होने से नहीं, बल्कि राजा जैसा बाना रखने और राजा जैसा धर्म, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को सर्वोपरि रखने से राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई है। राजपूत को तीन शब्दों में प्रयोग किया जाता है। पहला है राजपूत, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा ठाकुर। आज इन शब्दों की भ्रांति के कारण यह राजपूत समाज कभी कभी बहुत ही बड़े संकट में पड़ जाता है। दोस्तों राजपूतों के कुल में 62 वंशों का उल्लेख मिलता है। वही दोस्तों आपको बताते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मतों और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी हूणों से बताते हैं, तो कुछ दक्षिण के द्रविड़ों से और कुछ आर्यों से, किंतु किसी के पास भी ये ठोस नहीं है कि राजपूत विदेशी थे। वही मूल रूप से राजपूत शब्द की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी से हुई बताते हैं। तो वही दोस्तों ये भी सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इससे पहले राजपूत नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजपूतों में भारत में राजपूत आदिकाल से ही विराजमान है, किंतु पहले राजपूतों को अन्य नामों से पुकारा जाता था, जैसे राजपुत्र, राजजन्य, सामंत, क्षत्रिय, राजपुत्र आदि नामों से पुकारा जाता था इनको। धीरे धीरे शब्दों में क्षेत्रों के हिसाब से फेरबदल होता गया और एक शब्द का उदय हुआ, वह था राजपूत। राजपूत में 62 वंशों का उल्लेख मिलता है इनके कुल में, जो इस प्रकार हैं। जय भारत।